सो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्त एजुकेशन पर। जो लोग व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे CGPSC, व्यापम, सब इंस्पेक्टर, ADO, टीचर वैकेंसी या फिर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आज का टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जो कि 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला कल का देखिए, पिछले करंट अफेयर रह गया था जो आपको प्रश्न पूछा था, तो ठीक है, यहाँ पर प्रश्न मैं आपको पूछा था कि चंदेनी गोंदा यानी कि एक सांस्कृतिक यात्रा किसकी रचना है। तो आप सभी ने आंसर देखिए, बहुत लोगों का आंसर सी आ रहा है, लेकिन ये आंसर सी नहीं होगा। चंदेनी गोंदा यानी कि एक सांस्कृतिक यात्रा की रचना की है, तो ये डॉक्टर सुरेश देशमुख होगा। देखिए, तीन लोगों का सही हुआ है, बाकी लोगों का रॉन्ग आया है, ठीक है। तो चलिए एक बार मिलान कर लीजिएगा, डॉक्टर सुरेश देशमुख होगा, ठीक है। चलिए अब आज का पहला प्रश्न है कि राज्य की एकमात्र त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा कहाँ पर है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर की बात करें तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में यानी कि 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, व्यापम में। तो जो लोग छात्रावास सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कहता है कि रामगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन बी है बारसूर, ऑप्शन सी है चितुआ डोंगरी और ऑप्शन डी है सिरपुर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर बी होगा, बारसूर, ठीक है। बारसूर देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको, बारसूर दंतेवाड़ा जिला में स्थित यानी कि 9वीं से 13वीं सदी के आसपास 7 घोड़ों के रथ पर सवार की प्रतिमा मिलती है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर है, काफी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला किसान स्कूल किस राज्य में खोला गया है। देखिए, ये ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है व्यापम का। तो देश का पहला किसान स्कूल किस राज्य में खोला गया है, तो इसका छत्तीसगढ़ में खोला गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में खोला गया है। तो ग्राम बहरा डी, जिला जांजगीर चांपा, और कोई योग्यता नहीं होगी, जिसमें अनपढ़ से लेकर डिग्रीधारी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई का 18 विषय पर होगी। नवाचारी किसान दीनदयाल यादव के सहयोग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्टिफाइड यानी कि चावल वितरण योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में कब से किया जा रहा है। देखिए, जो फोर्टिफाइड चावल है इसका वितरण छत्तीसगढ़ में कब से किया जा रहा है, तो मार्च 2022 से। कब से किया जा रहा है, मार्च 2022 से, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको एक बार। पोषण युक्त चावल जिसमें आयरन, जिंक, फ्लोरिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है। विस्तार यानी कि 10 आकांक्षी जिले प्लस रायगढ़ और कबीरधाम, ठीक है। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो। वर्तमान में भारत माता वाहिनी संगठन कितने ग्राम पंचायत में चल रही है। तो देखिए यहाँ पर, जो वर्तमान में भारत माता वाहिनी संगठन कितने में चल रही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1460। कितना हो जाएगा, 1460 वर्तमान में भारत माता वाहिनी संगठन ग्राम पंचायतों में चल रही है। अब नोट कीजिएगा इसको कि शराबबंदी नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान है। अब हर ब्लॉक में यानी कि हर ब्लॉक में 2000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले यानी कि 10-10 ग्राम पंचायत में इसके लिए 8 सदस्य इसमें शामिल होंगे, ठीक है। आज का जो करेंट अफेयर रहेगा आपका 25 नंबर का करेंट अफेयर है। जो लोग सिलेक्शन लाना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लासेस के लिए। अब बात करूं तो छात्रावास अधीक्षक की, तो दोपहर 3 बजे करेंट अफेयर की क्लास रहती है, लेकिन इसको 3 बजे ही अपलोड करेंगे, ठीक है। और साथ ही जो गणित की क्लास होती है 5 बजे होती है, और कंप्यूटर की क्लास होती है 9 बजे होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का पहला 4 लेन सुरंग कहाँ बनने जा रही है। देखिए यहाँ पर अभी प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला 4 लेन सुरंग कहाँ बनेगी, तो वो भी केशकाल पहाड़ी पर। देखिए ये जो केशकाल पहाड़ी है, यहाँ पर विस्तार कांकेर व कोंडागांव के मध्य में यानी कि 2.5 किलोमीटर 4 लेन सुरंग यानी कि भारत माता परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए सुरंग बनने जा रही है, ठीक है, केशकाल घाटी आएगा ना, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रत्न विज्ञान से संबंधित
पाठ्यक्रम का संचालन करने वाली राज्य की पहली विश्वविद्यालय कौन सी है? देखिए, जो रत्न विज्ञान से संबंधित है तो उसका संचालन करने वाली राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नोट करें, देखिए यहाँ पर जो टिप दिया गया है उसको ध्यान से समझिएगा कि भूगर्भ शास्त्र के अध्ययन के रूप में रत्न विज्ञान जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स का संचालन करने वाला विश्व यानी कि एकमात्र विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है आपका कि प्रदेश का पहला मिलेटर्स कैफे राज्य किस जिले में है? जो प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे राज्य है वो आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? बी, यानी कि रायगढ़। ठीक है, इसका आंसर रायगढ़ हो जाएगा, नोट कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, रागी और कोदो जैसे अनाजों से बनने वाला लजीज पकवान, ये अनाज सेहत के लिए बहुत ही पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्ष 2021-22 में राज्य के कुल कितनी धान खरीदी केंद्र बनाया गया था? देखिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है, वर्ष 2021-22 में जो कुल धान की खरीदी का केंद्र बनाया गया था वो आपका कितना है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, 2484। देखिए, बहुत लोगों का सेकंड आ रहा है लेकिन ये नहीं होगा ना, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 2484। ठीक है, जो कि 24.06 लाख पंजीकृत किसान 21.77 लाख ने धान बेचा है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और राजनांदगांव में सर्वाधिक और बीजापुर में सबसे कम धान की खरीदी हुई है, तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि 2021-22 में जो धान की खरीदी है सर्वाधिक कहाँ हुई है, तो आप बताएंगे राजनांदगांव में, और सबसे कम हुई है तो बीजापुर में। ऐसे एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आपको नोट भी कराता हूँ, अगर कॉपी पेन साथ में रखे हैं तो नोट करते हुए चलिएगा, या फिर वीडियो को 1-2 बार देख सकते हैं। ठीक है, या फिर डाउनलोड करके रख लीजिएगा, कभी भी देख सकते हैं। अब एक ग्रेड धान ग्रेड की बात करें तो 1960 और सामान्य 1940 है 2021-22 के में। ठीक है, जबकि अभी हाल ही में देखिए, ये तो धान ग्रेड ए है, 1960 है और 1940 है। ठीक है, नोट कीजिएगा ध्यान से, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है 2021-22 के लिए, कितने के लिए, 21-22 के लिए है। ठीक है, जबकि अभी वर्तमान में 2022-23 में जो धान की खरीदी ग्रेड ए है वो कितना है, 2060 रुपये है। ठीक है, धान ग्रेड ए की कितना है 2022-23 में, 2060 है, जबकि सामान्य धान का कितना है, 2040 रुपये है। इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं 21-22 के बारे में बताया हूँ, जबकि हाल ही में यानी कि 2022-23 में जो धान की खरीदी है ग्रेड ए का, ये यहाँ से चेंज हो गया है। ठीक है, 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 100 रुपये की, तो जो 1960 है वो 2060 हो जाएगा, और धान का जो सामान्य है ये 1940 का कितना हो जाएगा, 2040 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करते हुए चलिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें साथ ही लाइक करते हुए चलिए साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कुबरी महमानी यानी कि कुबरी महमानी किस अनाज का एक किस्म है? तो ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर सी होगा, धान। ठीक है, अब इसको नोट कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला याद रखने के लिए। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन धान यानी कि नवागढ़ जिला बेमेतरा में, विशेष की बात करें तो धान सामान्य से थोड़ा पतला और छोटा होता है। कुबरी ममहानी धान के महक नेपाल तक पहुंच गया है। ठीक है, अन्य किस्म की बात करें तो लोकती, मांझी, रेड राइस, जवाफूल, बादशाह, सहभोज, दुबराज, विष्णुभोग, लुचई, लायचा, श्रीकल्प, गठुवन इत्यादि बहुत सारी यहाँ पर जो धान की विशेष है। अब बात करें कि ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, देखिए आपका समय गंवाना नहीं चाहता तो जल्दी से वीडियो को देखते हुए कहते हैं कि तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन सा स्थान? तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता संग्रह है वो दूसरे स्थान पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये वाला। और नोट कीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना तेंदुपत्ता को कहा जाता है, ऐसे ही एग्जाम में पूछ सकता है। प्रारंभ की बात करें तो 25 अप्रैल 2022 में, ठीक है, जो ये 25 अप्रैल है डेट याद कर लेना, और 22 2000 सन है। ठीक है, बस्तर संभाग में। पारिश्रमिक की बात करें तो 4000 प्रति मानक बोरा दिया जाता है, कितना दिया था, 4000 रुपया
प्रति मानक बोरा दिया जाता है और 1000 गड्डी जिसमें 50 पत्ते होते हैं, ठीक है। और 2022 में 17,32,440 मानक बोरा संग्रहण किए गए हैं। कितने किए गए हैं नोट कीजिएगा, 2022 में 17,32,440, ठीक है, मानक बोरा संग्रहण किया गया। सबकी सर्वाधिक रूप से बिलासपुर जिला में हुआ है। कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा? बिलासपुर जिला में, ठीक है, सॉरी बलरामपुर जिला में, ना बलरामपुर जिला में हुआ है, ठीक है, बलरामपुर जिला में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आदिवासी के खिलाफ दर्ज मामले में वापसी के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, AK पटनायक समिति, ठीक है, नोट करती हुई चलिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आपको कि मार्च 2019 को गृह विभाग द्वारा गठन किया गया है और फर्जी नक्सलवाद मुठभेड़ के शराब बनाने जैसे अपराधों में वर्षों जेल बंद कर इसके खिलाफ वापसी लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, राज्य में वर्तमान में कितने स्ट्रोट्रक कॉफी यानी कि हॉकी मैदान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D, 5 मैदान है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको ये हाल आप नोट करते चलिएगा, मैं जल्दी जल्दी वीडियो को करा रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में संचालित कृष्ण कुंज योजना किससे संबंधित है? जो छत्तीसगढ़ में संचालित कृष्ण योजना है, जो कुंज है, वो किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B, जीवनोपयोगी पौधों का रोपण, ठीक है, ये हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, टिप को या फिर PDF को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा भगवान झूलेलाल की प्रतिमा कहाँ पर लगी हुई है? तो विश्व में देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका C, ठीक है, छत्तीसगढ़, जो भगवान झूलेलाल की प्रतिमा लगी हुई है, आप नोट कर लीजिएगा। न्यू राजेंद्र नगर रायपुर में स्थापित 56 फीट प्रतिमा है जो कि सिंघी समाज के प्रमुख देवता है। किसके समाज की देवता है? तो सिंघी समाज। सिंघी नववर्ष के रूप में चंडी चंड उत्सव मनाया जाता है, वरुण देवता का अवतार मानते हैं, ठीक है। मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के लिए कितने सदस्यों का एक टीम राज्य सरकार ने गठित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A, ठीक है, 11 सदस्य, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत गठित टीम प्रचलित शब्दों के लिए मान्यकरण होगी, ठीक है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? या ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है योजना से, तो मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना कब प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 मई को प्रारंभ की गई है, ठीक है, जो कि योजना और 2022 से लागू हुई है। अब पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल अंतरिक्ष समिति 3 वर्षों से पंजीकृत समिति को पात्रता, ठीक है, यहाँ पर 59 वर्ष से 60 वर्ष पंजीकृत बुजुर्ग श्रमिक सहायता राशि 10,000 रुपया एक मुश्त दी जाएगी। इसके बाद करेंगे कि कौशल्या मातृत्व योजना किससे संबंधित है? जो कौशल्या मातृत्व योजना है वो आपका हो जाएगा आंसर C, ठीक है, कन्या के जन्म पर सहायता राशि दी जाएगी। अब कब से लागू की गई है? तो ये 7 मार्च 2022 है, रायपुर के BTI ग्राउंड से, ठीक है। द्वितीय कन्या के जन्म पर हितग्राही को कितना दिया जाएगा? नोट कीजिएगा, 5,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, कितना दिया जाएगा? एक मुश्त 5,000 रुपये। बस्तर की ललित वैष्णव किस कला के लिए प्रसिद्धि हासिल की है? जो बस्तर की ललित वैष्णव है वो किस कला के लिए हासिल की है? तो लोक भित्ति चित्रकार के लिए की है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा ना। पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? जो पक्षी महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B, ठीक है, बेमेतरा में। अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर और 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक प्रदेश का पहला है, ठीक है। जो हमर चिरई चिन्हारी योजना के गिधवा परसदा में जो महोत्सव हुआ था ना 2021 में आयोजन किया गया था, उसी के लिए है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया है? जो छत्तीसगढ़ का जैव विविधता पार्क है वो आपका हो जाएगा आंसर B, मैन पार्ट सरगुजा में, ठीक है, जो कि रोपाखार जंगल में 160 हेक्टेयर में जैव विविधता पार्क को स्थापित किया गया है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है कि देश में बांसधारी क्षेत्र कम से छत्तीसगढ़ का मैदान स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा छठवा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? छठवा। लाठी बांस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बासी पुस्तक पत्रिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A, दशरथ लाल निषाद जी, ठीक है।
जो कि 1 मई 2022 को छत्तीसगढ़ वासी खाने की परंपरा चालू की गई है। देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है ना, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको नोट कीजिएगा। देश के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देश के हाल ही में अभी 14 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बने हैं। तो किसके प्रसाद पर्यंत बने हैं, तो आप बताइए इसके पहले कौन थे? देश के 14 उपराष्ट्रपति मतलब 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है? जो पहले इनके उपराष्ट्रपति थे उसके बारे में बताइएगा कमेंट में, ठीक है? ये जगदीप धनखड़ जी हैं। इसके पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, आपके लिए एक प्रश्न होगा कि देश के 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हाल ही में जो जगदीप धनखड़ बने हैं, ठीक है, तो इसके पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तथा हाल ही में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है? चलिए अब आपका ये 24वां प्रश्न देखेंगे कि राज्य में वर्तमान स्थिति में सरकार द्वारा कितने वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं? तो यहाँ पर जो वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं 5 लाख बांटे गए हैं, ठीक है? वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रदेश के कानून की समीक्षा के मुख्यमंत्री द्वारा 4.54 लाख व्यक्ति यानी कि 45,000 से अधिक सामुदायिक पत्र वितरित किया गया है। और आपके लिए यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि प्रदेश का पहला जिला जहां पुलिस थानों व चौकियों में कामकाज की शुरुआत रांची से की जाती है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसका आंसर कौन सा होगा बिल्कुल कमेंट में बताएं। आपके लिए प्रश्न रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, यह क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश का पहला जिला जहां पुलिस थानों व चौकियों के कामकाज की शुरुआत राजकीय गीत से की जाती है, तो कौन सा जिला है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक साथ में कर सकते हैं, ठीक है? और एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं उसी को नोटिफिकेशन भेज